तो दोस्तों, जीवन में हमेशा आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप जो काम कर रहे हो उस काम को क्विट कर दो, या दूसरा जो आप लोग प्रयास कर रहे हो उन प्रयासों को करते रहो और नई चीज़ें सीखते रहो, अपनी यहाँ पर गलतियों को एनालाइज करते रहो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अक्टूबर 24, 2019, डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटे से अपडेट। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं दो दिन आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं डाल पाया ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम। इसके साथ साथ कुछ शेड्यूलिंग इश्यूज भी हो रहे थे, उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों की यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन है मेरे पास। सजेशन ये है कि दिवाली का समय आ रहा है, ये जो टाइम होता है इसमें क्या होता है कि आप अपने घर पे जाते हो तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती और उस बारे में आप थोड़ी टेंशन भी ले लेते हो। एक ही सजेशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर टाइम का इस्तेमाल अपने रिविज़न के लिए करो, जो चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज़ करो। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री माहौल भी मिल सकेगा। अगर आप लोग अन अकेडमी प्लस की तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जहां पर आप लोगों को टॉप एजुकेटर्स लाइव यहां पर क्लासेस देते हैं, आप लोग मेरा रेफरल कोड अमन डॉट शर्मा का इस्तेमाल करके फ्लैट 10% बेनिफिट अवेल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको अन अकेडमी प्लस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, वहां पर लिंक पे आप लोग प्रेस करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, पहली खबर मिलती है 70,000 करोड़ BSNL MTNL पैकेज क्लियर। तो कुछ ही दिनों पहले एक एडिटोरियल हम लोगों के सामने आया था, जो एडिटोरियल कह रहा था कि यहाँ पर डिस्कॉम सेक्टर के बाद एक बड़ा PSU सेक्टर क्राइसिस में है, जो कि हमारे देश का टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भारत सरकार जो कि BSNL MTNL के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल करती है, वो हम लोगों को पहले से ही दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी के रूप में सामने आ रही थी। क्योंकि एक तो यहाँ पर BSNL और MTNL यहाँ पर वायरलाइन सब्सक्राइबर्स उनके पास ऑल्दो बहुत ज़्यादा हैं, और आज की डेट में लैंडलाइंस या वायरलाइंस का कोई भी यूज़ नहीं करता है। रिलायंस जियो के आने के बाद 2014 में पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नज़र आया। यहाँ तक कि जब 4G स्पेक्ट्रम का सेल हुआ तो BSNL और MTNL को भी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था। यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो टेलीकॉम सेक्टर डूब रहा था, जो प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिल रहा था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर यह फैसला लिया है कि बैंक मर्जर के बाद अब यहाँ पर टेलीकॉम मर्जर किया जाएगा, BSNL और MTNL को आपस में यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो पैकेज अप्रूव किया गया है वो है 70,000 करोड़ रुपीज़ का। यूनियन कैबिनेट को चेयर कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने दे दिया है इन प्रिंसिपल अप्रूवर फॉर द मर्जर ऑफ दिस टू एंटिटीज। यहां पर देखो, 4G स्पेक्ट्रम पहले नहीं मिला था, तो अब क्या हुआ है, 4G स्पेक्ट्रम भी दिया जा रहा है वॉर्थ ₹20,000 करोड़, जो कि यहां पर एडमिनिस्टर किया जाएगा और अलॉट किया जाएगा यहां पर दोनों फर्म्स को। जो भी यहां पर डेट है, जो भी कर्ज है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाएगी। और रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा, बॉन्ड्स निकाल कर, मतलब डेट को यहाँ पर रीस्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर डेट लिया जाएगा, ओके, विद सॉवरेन गारंटी, जो कि होगी अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज़। सॉवरेन गारंटी मतलब भारत सरकार इसको यहाँ पर हमें बैक करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो लोग BSNL और MTNL के अंदर काम कर रहे हैं, ओके, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को देखते हैं, तो वो जो लोग हैं उनको अब VRS की स्कीम देने का फैसला किया गया है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम उनके लिए आएगी कि वो यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर हो सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपीज़ देने का फैसला किया। गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान किया है कि वो मोनिटाइज भी करेंगे यहाँ पर इन दोनों फर्म्स के एसेट को, जिसकी कीमत 38,000 करोड़ रुपीज़ बताई जा रही है। यहाँ पर जो 70,000 करोड़ रुपीज़ का जो पैकेज है उसके अंदर देखो, मैंने आपके लिए हाईलाइटिंग डाल रखी है कि सॉवरेन बॉन्ड्स होंगे 15,000 करोड़ रुपीज़ के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मर्ज किया जा रहा है, यहाँ पर BSNL MTNL को 38,000 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर मोनिटाइजेशन होगी और 4G स्पेक्ट्रम मिलेगा। देखो, अब यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए आता है वो यही है कि यार ये चीज़ इस टेलीकॉम सेक्टर को जो क्राइसिस है उससे बाहर निकाल पाएगी। अगर इसको ढंग से एनालाइज करें तो आपके सामने एक ही जवाब आएगा, नो।
जिस तरीके से जो प्राइवेट फर्म्स उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, जिस तरीके से रिलायंस जियो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं एक मुसीबत का रास्ता है। और अभी तो 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है, व्हाट अबाउट दी 5G जो कि 2020 के अंदर हम लोगों को लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 8 पे आपको एक पिक्चर देखने को मिलती है, द ग्रेट फॉल। यहां पर बात हो रही है 2 BC के एक यहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री साइट के बारे में। क्या नाम है इसका? इस साइट का नाम है थाटलाकोंडा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री साइट। आपके लिए प्रीलिम्स रिलेवेंट ये है कि थाटलाकोंडा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री साइट यहां पर किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ड्यू टू हैवी रेन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हमें टूटता हुआ नजर आया। इस पर्टिकुलर चीज से एक और चीज आप लोगों को देखनी है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर हमारी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को यहाँ पर देख रेख रखती है, कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए जब हमें पता था कि यहाँ पर कमजोर हैं, तो हमें ऊपर कुछ टीन शेड का जुगाड़ करना चाहिए थे या कोई ऐसी चीज जरूर करनी चाहिए थी जिससे यहाँ पर ये जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो बच सके। पेज नंबर 9 खबर मिलती है, नेक्स्ट 3 PSLV मिशन विल कैरी 14 स्मॉल फॉरेन सेटेलाइट्स। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो एक ना एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस फ्लाइट। तो ये जो स्पेस फ्लाइट कंपनी है ये US की कंपनी है जो कि क्या करती है, जिसके अंदर जो बाकी सारे देश हैं उन्हें अगर कोई अपनी सेटेलाइट भेजनी होती है तो इस कंपनी के पास अप्लाई कर देते हैं, और ये कंपनी यहाँ पर उन सेटेलाइट्स के लिए फ्लाइट अरेंज करती है। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इसरो है ना, या यहाँ पर US की NASA है, वो यहाँ पर डाल देती हैं कि हम अपनी यहाँ पर ये इस समय पर हम अपना PSLV या GSLV अपना रॉकेट भेजेंगे, इसमें आप अपनी यहाँ पर सेटेलाइट हमारे पास भेज सकते हो। यहाँ पर इसरो को भी यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ओके, इसरो यहाँ पर 14 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट्स को 4 इंटरनेशनल कस्टमर्स के यहाँ पर स्पेस के अंदर भेजेगी। ओके, हमारा जो मेन पेलोड रहने वाला है PSLV C47 के अंदर वो रहेगा कार्टोसैट 3। ओके, फिर C48 होगा, फिर C49 होगा जो कि नवंबर और दिसंबर के अंदर हम लोगों को लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं, दिस से टाइमली एंड डिपेंडेबल लॉन्च व्हीकल इज इंपॉर्टेंट टू ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजी और कंटिन्यू ऑनगोइंग मिशंस। और इंडिया से सस्ता कोई भी यहाँ पर लॉन्च नहीं पड़ता है, ये भी एक बड़ी चीज़ है। देखो तो यहाँ पर 3 फॉरेन कस्टमर्स हैं, कौन कौन? एनालिटिक स्पेस, IQPS और कैलॉज स्पेस। अब देखो हमने क्या बताया कि हमारा क्या कार्टोसैट है। अब एक और चीज़ जो हमारा कार्टोसैट 1 कार्टोसैट 2 है वो हम लोगों ने क्यों लॉन्च किया, देखो एक यहाँ पर शब्द आता है जिसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। मैप्स की आर्ट को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, या हम लोग जब पुराने मैप्स बनाते हैं तो उसको भी कार्टोग्राफिक सिचुएशंस के अंदर बोला जाता है। कार्टोसैट के अंदर हम लोगों ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि हमारे देश को यहाँ पर मैप आउट किया जाएगा हर एक पर्पज़ के लिए, और उसकी मदद से यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर है वो भी हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो दिस वॉज द न्यूज़ जो कि इसरो की तरफ से हम लोगों के सामने आई। पेज नंबर 9 पर आगे बढ़ते हैं, खबर मिलती है हम लोगों को, सेंटर टू सेटअप प्री टोनियल डायलिसिस सर्विसेस। अब यहाँ पर डायलिसिस सर्विसेस क्या होता है, देखो हमारी बॉडी का जो किडनी वाला पोर्शन होता है उसका मेन काम क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना, हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम होता है। तो यहाँ पर जो लोग डायलिसिस सर्विसेज लेते हैं वो लेते हैं जिनकी किडनी यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती, तो एक्सटर्नली उनको जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है। अभी उसमें भी यहाँ पर 2 तरीके की होती है, होती है प्रीटोनियल यहाँ पर डायलिसिस सर्विसेज। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो बॉडी की जो इनर लाइन होती है उसको एज अ फाइबर की तरह यूज़ करते हैं इस डायलिसिस सर्विसेज के अंदर। यहाँ पर ये यह आर्टिकल डील करता है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में, कि इसके अंदर यहाँ पर पेशेंट्स को होम बेस्ड प्रीटोनियल्स जो डायलिसिस सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिसकी मदद से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केयर कम हो जाएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी यहाँ पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो सकेगी। इसलिए यहाँ पर नई गाइडलाइंस हम लोगों के सामने आई हैं। जो गाइडलाइंस हैं देवर फॉर्मुलेटेड आफ्टर एन एक्सटेंसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस जिसको नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर और एक एक्सपर्ट कमेटी ने यहाँ पर देखा था। मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द सारी जो हमारी स्टेट्स हैं वो इस प्रपोजल को इंक्लूड करें कि जल्द से जल्द ये जो एनालिसिस है, जो प्रीटोनियल एनालिसिस है, वो सब जगह यहाँ पर इन्वॉल्व हो सके। यहाँ पर जो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है 2016 के अंदर आया था, जो फर्स्ट फेज है इस प्रोग्राम का, इट एनविसेज्ड सेटिंग अप ऑफ हेमोडायलिसिस सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। हेमोडायलिसिस सेंटर जो कि आप लोग जनरली देखते हो कि यहाँ पर सारी की सारी जो प्योरिफिकेशन है वो बॉडी के बाहर ही होती है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, हमें एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, पेज नंबर 10 आपको एडिटोरियल मिलता है नीड फॉर बैलेंस।
सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि जितनी भी यहाँ पे हियरिंग हो रही हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर वेब कंटेंट रेगुलेशन से डील करते हैं, जिसमें मेन यहाँ पर चीज़ है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे यहाँ पर हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, जो कि सिक्योर मैसेजेस होते हैं, उनको किस तरीके से ट्रेस किया जाए। ये जो पूरे का पूरा चीज़ है, ये अपने आप में एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि वो बहुत ही जल्द नई रेगुलेशंस, नई गाइडलाइन 2 जनवरी 2020 तक लॉन्च कर देंगे, जिसमें गाइडलाइंस होंगी कि यहाँ पर कि इंटरनेट को कैसे कवर किया जाएगा, ऑनलाइन सर्विस प्लेट प्रोवाइडर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर रहे थे केस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास खुद, बहुत अलग अलग हाई कोर्ट से, कोर्ट ने यहाँ पर राइटली डिसाइड किया कि वो इन केसेस को तभी सुनेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट नई नोटिफिकेशन लेकर आ जाएगी। आफ्टर ऑल यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हैं, ओके, टू फ्रेम पॉलिसी ऑन दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव मैटर, उन्हें हमें एक चांस दे देना चाहिए। पर सवाल यही है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, क्या उसको वीड आउट करने की ज़रूरत है? कि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, उसको अल्टीमेटली यहाँ पर एजुकेट करने की ज़रूरत है? ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, और कोर्ट को यहाँ पर एक बैलेंस ढूंढना है बिटवीन द रिक्वायरिंग असेस टू ओरिजिनेटर्स ऑफ एनक्रिप्टेड कंटेंट एंड रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल प्राइवेसी। यहाँ पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास कि हम लोग टेस्ट कर सकें इम्पैक्ट ऑफ के एस पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट ऑफ 2017। के एस पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट जो कि रिलेट करता है फंडामेंटल राइट से, जिसमें बोला गया था कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो हम लोगों के लिए एक फंडामेंटल राइट है। सरकार ने भी यहाँ पर एक कंसर्न जताया था कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट यहाँ पर सामने आ रहा है, खासकर जो कंटेंट है, चाहे वो फेक न्यूज़ का कंटेंट हो या हेट स्पीच का कंसेंस हो, वो देश की सिक्योरिटी सॉवरनिटी के खिलाफ जा रहा है। कुछ ऑनलाइन कंटेंट बिल्कुल अनडिज़ायरेबल है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या कम्यूनल मैसेजिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया ड्राफ्ट है ऑफ इमीडिएट गाइडलाइंस, उनको ओरिजिनली इशू किया गया था 2011 के अंदर, और उसको पब्लिक किया गया था इन द लास्ट ईयर। और यहाँ पर सारे के सारे सेक्शन से कमेंट इनवाइट किए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे रिस्पॉन्स भी यहाँ पर रिसीव किए हैं। इट इज़ नॉट येट नोन कि यहाँ पर असलियत में कंसर्न, वो जो वॉइस यहाँ पर रेज आउट की गई हैं, वो क्या यहाँ पर फैक्टर प्ले कर रही हैं। इन पर्टिकुलर जो प्रोविजन है कि मैंडेटरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो ऑफेंडिंग मैसेजेस हैं उनका यहाँ पर ओरिजिनेटर कौन है, वो अपने आप में एक सोर्स ऑफ वरी है, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यूज़र प्राइवेसी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बैकडोर असेस देने की बात हो रही है देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। यहाँ पर जो अपील्स हैं वो आ रही हैं सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी से रिलेट करते हुए, ब्लैंकेट क्लेम ऑफ क्राइम प्रिवेंशन कंटिजेंसी विदाउट नैरोइंग डिफाइंड सरकमस्टेंसेस यहाँ पे हमारे लिए एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। ऐसा ना हो कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती हुई नज़र आए। इसी से रिलेटेड एक और हमें एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल देखने को मिलता है। यहाँ पर बात हो रही है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर पिछले ही हफ्ते जो पूरी दुनिया के डेमोग्राफर्स थे, उनकी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पूरे 25 साल पूरे किए। पॉलिसी मेकर्स और जो रिसर्चर्स हैं, दे हैव सेलिब्रेटेड ट्रिमेंडस अचीवमेंट ऑफ 4 राउंड्स ऑफ NFHS सिंस 1992 एंड 1993। पर यहाँ पर एक बड़ा इशू आ रहा है कि NFHS के अंदर जो हमारे लिए पॉपुलेशन हेल्थ एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जो डेटा आते हैं, क्या वो डेटा सही है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो डेटा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कमिटमेंट के हिसाब से बैलेंस होता हुआ नज़र आता है। 2005-06 2015-16 के बीच में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमें डिक्लाइन होती हुई नज़र आई 2.68 से 2.18 बर्थ्स। पर यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो इस्तेमाल है वो भी हम लोगों को गिरता हुआ नज़र आया, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर बढ़ना चाहिए था। ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि क्यों यहाँ पर NFHS 4 के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ का डेटा यहाँ पर डिक्लाइन हो गया, क्योंकि क्वालिटी यहाँ पर एक बड़ा मैटर करती है। मच ऑफ द डेटा क्वालिटी डिस्कस्ड इन द पास्ट हैव अडेप्टेड व्हेन पॉलिटिकली सेंसिटिव यहाँ पर टॉपिक हमारे सामने आए, जैसे GDP ग्रोथ का हो, पॉवर्टी रेट्स का हो, ओके, या यहाँ पर डेटा कलेक्शन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना हो, इस तरीके के सवाल हम लोगों के सामने आए थे।
हमें यहाँ पर एक रेट्रोस्पेक्टिव लुक देनी पड़ेगी कि क्यों हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस को सही तरीके से मेज़र नहीं कर पा रहे। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स इस पूरे एडिटोरियल के अंदर बताए गए। पहला, हम लोगों को कुछ रियलिस्टिक गोल और कुछ क्रिएटिव स्ट्रेटजीज को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सब चीज़ें सही तरीके से वर्क करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, आयुष्मान भारत का पेमेंट सिस्टम है, उन सब के डेटा को हम लोगों को अच्छी तरीके से इंक्लूड करना पड़ेगा। नंबर टू, यहाँ पर जो कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम लोगों को करनी पड़ेगी, नया एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ओके, फॉर बेटर और वर्स हम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर लोगों को। नंबर थ्री, हमें कुछ रिसर्च यूनिट्स इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी एक्सक्लूसिवली, जिनका काम होगा हमारे देश के अंदर डेटा को कलेक्ट करना, और जो पहले से हैं उनको रीडिज़ाइन और उनके अंदर रिसर्च रीडिज़ाइनिंग की भी ज़रूरत है। जब तक हम लोग एक सिस्टमेटिक अटेंशन नहीं देंगे हमारे देश के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम लोग यहाँ पर पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा से बाहर नहीं निकल पाएंगे और डेटा क्राइसिस हमारे देश में हमेशा ही इसी तरीके से बरकरार रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, खबर मिलती है पेज नंबर 11, टीबी स्टोरी। इंडिया ने रजिस्टर किया अराउंड 26.9 लाख इंसिडेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 2018, ऑल्दो 50,000 पेशेंट्स का हमें डिक्लाइन देखने को मिला 2017 के हिसाब से। यहाँ पर हमारे सामने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आई, जो कि एक अच्छा है कि चलो हम लोगों ने टीबी रिपोर्ट 2019 और ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019 जो WHO निकाली है उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ओके, तो ये उससे रिलेटेड आपके लिए एक मैपिंग था। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम लोगों को आर्टिकल मिलता है पेज नंबर 12 पे, डू पब्लिक फंक्शनरीज नीड अ गैग, आस्क सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर हुआ क्या है, पूरा का पूरा जो मैटर है वो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लिंक करता है। यहाँ पर हम लोग आम जनता राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो एन्जॉय करती है, पर उसके साथ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। पर क्या जो हमारे देश में हाई पब्लिक फंक्शनरीज हैं, जैसे मिनिस्टर्स हैं, क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो हम लोगों को कुछ भी कह सकते हैं या किसी भी तरीके की स्पीच दे सकते हैं? क्या ये लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं है जब हम लोग बात करते हैं राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड सिचुएशन? बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 के बीच में एक लड़ाई की। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर अंडर आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि एग्जामिन कर रही थी कि क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए आगे और भी ज़्यादा फ्री स्पीच वाली यहाँ पर सिचुएशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो रेफरेंस था वो यहाँ पर अप्रैल 2017 को दिया गया था। बुलंदशहर रेप विक्टिम के फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर एक केस डाला था कि उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर आजम खान ने पब्लिक स्टेटमेंट दी थी दैट द रेप केस वॉज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट दी देन अखिलेश यादव गवर्नमेंट। तो मिस्टर खान ने ऑल्दो उसके बाद अनकंडीशनल अपोलॉजी भी दी थी, बट सुप्रीम कोर्ट को अब यहाँ पर यह चीज़ डिसाइड करनी है कि वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पर एग्जामिन करेंगे कि जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं वो सेंसिटिव मैटर के ऊपर इस तरीके के यहाँ पर गलत शब्दों का कैसे प्रयोग कर सकती हैं। तो इस आर्टिकल में सवाल यही है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की बाय द पब्लिक, क्या वो सही है या नहीं है, या उसे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। यहाँ पर बोला गया द बेंच शुड फर्दर आंसर। जब बेंच यहाँ पर इस बड़े डिसीजन के ऊपर ले रही है तो बेंच को ये भी आंसर करना चाहिए कि अगर कोई यहाँ पर प्राइवेट पर्सन या कोऑपरेशन अगर यहाँ पर किसी और पर्सन के खिलाफ कोई बात कह देता है तो वो भी क्या उसके आर्टिकल नंबर 21 के खिलाफ जा रहा है? क्योंकि अब डिसीजन लिया जा रहा है तो सारी सारी चीज़ों पर लिया जाए। तो टॉप लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पर बेंच से पूछा कि यू हैव ऑल्सो टू डिसाइड वेदर स्टेट कुड प्रोसीड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर मेकिंग दिस स्टेटमेंट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अनदर पब्लिक इंडिविजुअल। जस्टिस मिश्रा ने यहाँ पर बोला कि जो फ्री स्पीच है या राइट टू लाइफ है वो दोनों ही हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय इनकोकिन आर्टिकल 21 और नॉट। क्या कोई भी पर्सन का जो राइट टू फ्री स्पीच है उसको कर्व किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड कि वो यहाँ पर किसी और दूसरे व्यक्ति की डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो अधिकार है उसको हनन कर रहा है? आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 2 इंट्रोड्यूस कर रहा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इज प्रूफ दैट फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट इन द कंट्री, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 2 के साथ। ओके,
इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग न्यू रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर सबसे पहले ये बात की जा रही है कि यहाँ पर आर्टिकल 226 के अंदर पहले ही एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल 226 क्या है, जिसमें हम लोग यहाँ पर रिट के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग हाई कोर्ट के थ्रू यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 13, खबर मिलती है मोदी स्किप्स नैम समिट अगेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जो नैम मीटिंग है उसको स्किप करने का फैसला लिया। 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो समिट है वो बाकू अजरबैजान के अंदर अक्टूबर 26 को यहाँ पर चलेगी। वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू जी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिस्टर मोदी की यहाँ पर जो एब्सेंस है वो हमें एक चीज़ बता रही है कि इंडिया कहीं ना कहीं जो मल्टीलेटरलिज्म से दूर जा रहा है। हम लोग अपने आप को यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑर्डर वर्ल्ड के साथ लिंक आउट कर रहे हैं और नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो यहाँ पर सिग्निफिकेंस है वो भी यहाँ पर कम हो गई है। नॉन अलाइंड मूवमेंट को 1961 के अंदर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट फाउंडर के रूप में यहाँ पर सामने आए थे। इसके साथ उन्होंने यहाँ पर पंचशील प्रिंसिपल्स भी सामने रखे थे, एग्रीमेंट साइन सामने रखा था। जो पहली नैम कॉन्फ्रेंस थी वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर हुई थी 1961 के अंदर। ओके, टोटल यहाँ पर 120 मेंबर्स हैं अभी करेंटली नैम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर पंचशील प्रिंसिपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोल्ड वॉर एरा के अंदर नैम क्यों चुना गया था, क्योंकि ये वो देश थे जो कि ना कि यहाँ पर यूएस के साथ जाना चाहते थे, ना कि यहाँ पर यूएसएसआर के साथ, और ये यहाँ पर एक थर्ड वर्ल्ड बनाना चाहते थे, क्योंकि इनका मेन मकसद था पीस एंड स्टेबिलिटी। अब एक और बड़ा इशू यह आ रहा है कि इंडिया नैम को इग्नोर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि नैम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों को बहुत जगह पर नैम के ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो यूएनएससी के लिए अपनी दावेदारी की बात हो या यूएन के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हों, या नैम हमारे सामने इन्वॉल्व रहता है जब भी पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पर बहुत सारी जगहों पर नैम के मेंबर्स इंडिया का सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आए। ओके, बहुत सारी जगहों पर वो पाकिस्तान के साथ भी शिफ्ट होते हुए नजर आए। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस वजह से नैम की रिलीवेंस इंडिया के लिए कम हो रही है। मूविंग ऑन पेज नंबर 13, खबर मिलती है इंडिया चाइना हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग सेज आईटीबीपी चीफ। तो इंडियो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के यहाँ पर डायरेक्टर जनरल का ये कहना है कि यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो यहाँ पर बॉर्डर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर 5 पॉकेट हैं, 3 है लद्दाख के, 1 है उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ पर जो बॉर्डर है वो डिफाइंड नहीं है। ओके, मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर बॉर्डर डिफाइन नहीं है, इसीलिए अभी जब मामल्लापुरम के अंदर मीटिंग हुई तब भी वहाँ पर इसी के बारे में बात की है कि हम लोग बॉर्डर्स को डिफाइन करेंगे। मिस्टर देसवाल ने यहाँ पर बोला कि वी आर मेंटेनिंग स्टेटस क्वो एट द एलएसी फॉर द पास्ट 57 ईयर्स। इंडिया और चाइना हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को यहाँ पर समझते हैं। बॉर्डर इशू के होने के बावजूद भी दोनों देशों ने मैच्योरली यहाँ पर बिहेव करके दिखाया है। There is not even a single pocket where they patrol and we do not. In disputed pockets, we patrol more. In fact, we over-dominate in these particular areas. इसी के साथ साथ पेज नंबर 16 आपको एक पिक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पर महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं पट्टन कोंडोली। ओके, जो पट्टन कोंडोली है वो एक विलेज है जहाँ पे फेस्टिवल बनाया जाता है। यहाँ पर जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो क्या होता था, पुराने जमाने में एक बाबा आते थे, वो बाबा आके बताते थे, प्रेडिक्ट करते थे कि कब बरसात होगी, और उसके बाद लोग यहाँ पर टर्मरिक से यहाँ पर एक दूसरे के साथ मतलब गुलाल की तरह उसको खेलते थे। तो इसका टर्मरिक फेस्टिवल जो कि कहाँ बनता है, महाराष्ट्र के पट्टन कोंडली यहाँ पर विलेज के अंदर बनाया जाता है। पेज नंबर 20, खबर मिलती है डाउट ओवर प्रपोजल टू क्रिएट एन अंटार्कटिक ओशन सेंचुरी। तो अंटार्कटिक ओशन सेंचुरी लाने की यहाँ पर जो शुरुआत है वो 2010 के अंदर की गई थी। ओके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन द्वारा, बट चाइना और रशिया इसको ब्लॉकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये अराउंड 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्या यहाँ पर पार्क कवर करेगा, ईस्टर्न अंटार्कटिक मैरीन पार्क। ओके, बट हैज़ रिपीटेडली बीन स्टक डाउन एट द मीटिंग ऑफ कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। मूविंग ऑन पेज नंबर 20, खबर मिलती है क्वांटम लीप इन कंप्यूटिंग एज गूगल क्लेम्स ब्रेक थ्रू। देखो, गूगल ने अपनी क्वांटम सुप्रीमेसी को पहले भी बताया था, है ना, ये आर्टिकल हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। बेसिकली व्हाट आर दिस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर होता क्या है, नॉर्मल कंप्यूटिंग के अंदर आप लोग बिट्स का यूज़ करते हो, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं। बिट्स मतलब 0 और 1 की फॉर्म में हम लोग सारी प्रोग्रामिंग करते हैं, पर एक साथ 0 और 1 को प्रोग्राम नहीं कर सकते, पर क्यूबिट्स के अंदर 0 और 1 को एक साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आर मोर एडवांस देन आर सुपर कंप्यूटर्स। रिसेंटली यहाँ पर अभी बताया गया कि कोई एक काम 200 सेकेंड के अंदर
किया गया था, जो कि क्वांटम कंप्यूटर की मदद से किया गया था। इतने सारे ऑपरेशन एक साथ किए गए थे। शायद अगर सुपर कंप्यूटर उन्हीं पर्टिकुलर ऑपरेशंस को करते तो उनको लगते 10,000 साल, 10,000 ईयर उन लोगों को लगते। दिस इज द नेक्स्ट लेवल थिंग दैट इज नोन एज द क्वांटम कंप्यूटिंग। पेज नंबर 20, एक और हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिलती है, मैसिव गैलेक्सी फाउंड हिडन एमिड कॉस्मिक डस्ट। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने यहाँ पर खोज के निकाला है एक मैसिव गैलेक्सी डेटिंग बैक टू द अर्ली यूनिवर्स। बताया जा रहा है कि वो कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स वहाँ पे हो सकते हैं। उसको यहाँ पर किसकी मदद से खोज के निकाला गया, एटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे की मदद से, ओके, जो कि अपने आप में एक कलेक्शन है 66 रेडियो टेलीस्कोप्स का, जो कि यहाँ पर चिली के अंदर लोकेटेड है। रिसर्चर्स के हिसाब से जो सिग्नल्स हैं दे केम फ्रॉम सो फार इट टुक नियरली 12.5 बिलियन ईयर्स टू रीच द अर्थ व्हेन द यूनिवर्स वाज स्टिल इन इन्फेंसी। एडिशनली कुछ स्मॉल गैलेक्सीज को भी देखा गया अर्ली यूनिवर्स के अंदर विद हबल स्पेस टेलीस्कोप आर नॉट ग्रोइंग फास्ट एनफ, ऐसा यहाँ पर रिसर्चर्स ने बोला। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल पेज नंबर 20, खबर मिलती है कॉल ऑफ द वाइल्ड इंडिया प्लान्स फॉर फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड सर्वे। बात हो रही है यहाँ पर स्नो लेपर्ड सर्वे के बारे में। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी स्नो लेपर्ड है। इंडिया यहाँ पर अपना पहला सर्वे करने वाला है स्नो लेपर्ड्स का, जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल रेंज पे यहाँ पर देखेंगे कि कितने यहाँ पर स्नो लेपर्ड हैं। स्नो लेपर्ड की प्रेजेंस हम लोगों को कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, इन सारे के सारे देशों में भी स्नो लेपर्ड की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे कुछ कैमरा ट्रैप्स का, साइंटिफिक सर्वेज का इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। टोटल 12 यहाँ पर देश हैं जहाँ पर हम लोगों को स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, आपके लिए आज इतनी ही खबरें थी। एंड करने से पहले आप लोग एक मेंस का सवाल ट्राई कर सकते हो। मेंस का सवाल आप लोगों के लिए है कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 21st सेंचुरी फॉर इंडिया। इंडिया के लिए नैम की यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंस है, उसको आपको एनालाइज करना है। अपने अपने जो आंसर्स हैं आप शेयर कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।